मोहतरम सामईन अस्सलामु अलैकुम। इसे अनार नहीं हुसन का खजाना कहें। बाज़ मरीज चेहरे की बेरौनकी की शिकायत करते हैं, मुसलसल क्रीमें इस्तेमाल की, टॉनिक खाए लेकिन बेरौनकी मुसलसल रही। जब उनसे अनार हर खाने के बाद खाने को कहा गया तो चेहरे पर रौनक लौट आई, स्याह हल्के खत्म हो गए, पिचके हुए गाल भर गए, धंसी हुई आँखें ठीक हो गईं। सेहत के लिए आबे हयात, केले से मैदे की जलन कम होती और जिस्म में ताजगी और शगुफ्तगी का एहसास पैदा होता है। केले कब्ज और इसहाल दोनों अमराज में बहुत मुफीद हैं, क्योंकि ये इसहाल में बड़ी आंत की कारगर्दगी बेहतर बनाते हैं। इनके जरिए बड़ी आंत में पानी की ज्यादा मकदार जज़ब होकर अजाबत को बाकायदा बनाती है। केले के इस्तेमाल से बुलंद फिशार खून को कंट्रोल करने में मदद मिलती है। इसमें मौजूद कार्बोहाइड्रेट खून में शुगर की मकदार को मामूल पर लाने में मदद देते हैं। केले का इस्तेमाल गुर्दों की बीमारियों में सूदमंद रहता है, क्योंकि इनमें प्रोटीन की मकदार बहुत कम जबकि कार्बोहाइड्रेट्स ज्यादा और नमक कम होता है। केला दिल की धड़कनों को मामूल पर रखने और दिमागी फाली से बचाव में मददगार होता है। डॉक्टर साहब मेरे मैदे का कुछ करें। एक मरीज लिखते हैं कि मैं मैदे का पुराना मरीज था, तरह तरह के कैप्सूल और फकियां खा खा कर थक चुका था। हर 15 दिन बाद नए डॉक्टर और नए हकीम के क्लिनिक पर बैठा हुआ मिलता। एक मर्तबा रिसाले में मुतालिया करते मैंने एक नुस्खा मैदा के अमराज के लिए पढ़ा, फौरन मेरे दिल को लगा। मैं कुछ दिन ही इस्तेमाल किया तो मेरे जिस्म को सुकून मिला और राहत का एहसास वाजे महसूस हुआ। ये नुस्खा अब भी इस्तेमाल कर रहा हूँ और मैं बिल्कुल सेहतमंद हूँ। मेरे मैदे के तमाम मसाइल ऐसे हल हो चुके हैं जैसे कभी थे ही नहीं। चीनी एक पाव, मीठा सोडा एक छिटांक और सत पुदीना एक तोला, तीनों को पीस कर यकजान कर लें। हर खाने के आध घंटा बाद एक चाय वाला चम्मच खाएं। ब्लड प्रेशर को नॉर्मल रखने के लिए कहवा। मैं काफ़ी अरसा से ब्लड प्रेशर का मरीज था। पहले पहल तो किसी न किसी तरह गुजारा हो जाता, लेकिन आखिरकार मैं गोलियों पर लग गया। फिर मुझे किसी ने अर्जुन नामी दरख्त का बताया कि इसकी छाल का कहवा बनाकर पियो। अब अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी आराम है। मुकम्मल नुस्खा कुछ यूँ है, आध पाव छाल एक पाव पानी में उबालें। जब आध पाव पानी रह जाए तो मल छान कर हसबे का चीनी मिलाकर पी लें। मुकम्मल अफाका होने तक दिन में 3 कप इस्तेमाल करें। कमर जोड़ों और पट्ठों का दर्द, एक टोटका और सब ठीक। मैं एक दुकान पर बैठा था, मेरी कमर में मामूली दर्द महसूस हो रहा था। एक बुजुर्ग उम्र तकरीबन 80 साल फरमाने लगे कि मेरी कमर में जब वो सिंध में थे शदीद दर्द हो गया। हर किस्म की गोलियां खाई, तरह तरह के टोटके किए मगर आराम ना आया। एक हकीम साहब बड़े मशहूर थे, उनके पास गया। उन्होंने अच्छी तरह चेकअप किया और फरमाया कि आप फौरी तौर पर आध पाव मेथरे ले जाएं, घी में भूने और फिर कूट कर सफूफ बना लें। एक छोटी चम्मच रात को नीम गर्म दूध से खाकर सो जाएं। ठंडे पानी और ठंडी चीजों से सख्त परहेज करें। आप 5-7 दिन में बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। अगर अल्लाह ना करे तकलीफ बाकी रहे तो फिर आकर दवाई ले जाएं। बुजुर्ग फरमाने लगे कि मैंने हकीम साहब के फरमान के मुताबिक अमल किया। पहली खुराक से ही आराम आना शुरू हो गया। 3 खुराकों से दर्द का नाम तक न था। बहरहाल हफ्ता दवाई खाता रहा। जोड़ों का दर्द, पट्ठों का दर्द जिस किसी को होता है, मैं बताता रहता हूँ और लोग सेहत याब हो जाते हैं। ये बहुत ही मुजर्रब नुस्खा है।
जब सर चकराए या दिल डूबा जाए, किसी मरीज को कमजोरी या किसी भी वजह से सर में दर्द या चक्कर या दिल डूबता हो, तो हरड़ और चीनी दोनों का हम वजन सफूफ तैयार कर लें। दिन में 3 बार 2 ग्राम हमरा पानी इस्तेमाल करें। इंशाल्लाह चंद दिन के इस्तेमाल से मुकम्मल आराम आ जाएगा। चेहरा ऐसा सुर्ख जैसे स्ट्रॉबेरी। अगर आप चाहते हैं कि आपकी जिल्द सुर्ख और तरोताज़ा नज़र आए, तो इसके लिए 1 से 2 स्ट्रॉबेरी को थोड़े से पानी के साथ मिलाकर पेस्ट बना लें। इसे सारी रात चेहरे और गर्दन पर लगा रहने दें और सुबह मुंह धो लें। हाजमा दुरुस्त करने के लिए 1 चम्मच शहद और 1 चम्मच अदरक का रस लेकर नीम गर्म करके 3 से 4 बार रोजाना पीने से हाजमा दुरुस्त होता है। सिर्फ 20 रुपए में बड़े मर्ज से निजात। एक मरीजा के पेट में पानी भरा हुआ था, तमाम जिस्म फूला हुआ था, हर हफ्ते अस्पताल से पानी निकलवाती थी। दिल की मरीजा भी थी, डॉक्टर साहिबान कह रहे थे पूरी जिंदगी पानी निकलवाना ही इसका इलाज है, इसके अलावा कोई इलाज नहीं है। मैंने अल्लाह का नाम लेकर दवाई शुरू करवाई, उसी दिन से अफाका शुरू हो गया। चंद दिन बाद उसकी सूजन कम होना शुरू हो गई। तकरीबन 20 दिन से दवाई शुरू करवा रखी है और अभी जारी है। मैंने उसे दवाई दिन में 5 दफा खाने का अर्ज किया था। पहले वो ला इलाज थी, 3-3 लिहाफ लेकर लेटती थी और सामने हीटर होता था, मगर फिर भी सर्दी महसूस करती थी। करवट बदलने के लिए दूसरे आदमी की जरूरत होती थी। अब जिस्म का तमाम पानी खुश्क हो गया है। पहले मुंह से पीप निकलती थी, अब वो भी खत्म हो गई है। घर का तमाम काम काज अब खुद करती है और कहती है कि मुझे अल्लाह ने नई जिंदगी दी है। 4 साल से बीमार थी और तकरीबन 6 लाख रुपए इलाज पर खर्च कर चुकी है। उसका बड़ा पेशाब भी बंद था, नस नस में पानी भरा हुआ था। अब अल्लाह ने फजल फरमाया है। दवाई कुछ यूं है: कबाब चीनी 100 ग्राम, फिटकरी बरिया 10 ग्राम, कूट पीस कर 1/4 चम्मच दिन में 3 मरतबा। इससे बेहतर दवाई मेरी नज़र से आज तक नहीं गुजरी। जले हुए लोग मुतवज्जे हों। एक साहिबा लिखती हैं, मैं अपना जाती तजुर्बा बयान करना चाहती हूँ। खाना पकाते हुए अक्सर मेरा हाथ जल जाता है, कभी चूल्हे से और कभी खोलते हुए गरम गरम तेल से, कभी रोटी की भाप से। तो मैं फौरन जली हुई जगह पर डालडा घी में नमक मिक्स करके 3 मरतबा दरूद शरीफ पढ़ कर लगा देती हूँ। यकीन करें, जले हुए निशान तो दूर की बात, जलन तक नहीं होती। ऐसा लगता है जैसे जला ही नहीं। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार करना ना भूलें।